नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं हलवा फिश कड़ी बनाने जा रही है, तो चलिए शुरू करते। हलवा फिश कड़ी बनाने के लिए दो हलवा मच्छी को धोकर साफ कर लिए, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा इंच अदरक, थोड़ी सी इमली, कड़ी पत्ता, 10 लहसुन की कलियां, हरा धनिया आधा कप, कसा हुआ नारियल आधा कप। अभी कड़ी का मसाला तैयार कर लेंगे। कसा हुआ नारियल डालेंगे, हरी धनिया, लहसुन और अदरक, सभी चीज़ों को मिक्सर में पीस लेंगे। इस तरह से मसाला तैयार कर लेंगे। अब फिश कड़ी बनाएंगे, उसके लिए 2 चम्मच तेल डालेंगे, 2 चम्मच तेल गरम होने के बाद उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे, अब इसमें गरम मसाला डालेंगे, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पकाएंगे अच्छे से। तेल छूटने तक अच्छे से मसाला पका लेंगे। अब ढक्कन लगा लेंगे थोड़ा, उसको अच्छा पकने तक, धीमी आंच पर उसको पका लेंगे मसाले को। अब ढक्कन निकालेंगे, मसाला पक चुका है, आजू बाजू से तेल छूट चुका है। अभी इसमें मच्छी डालेंगे, अभी इसमें मच्छी डालेंगे, अब इमली डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पानी डालेंगे मच्छी पकने के लिए। अब सब मिक्स कर लेंगे। अब मच्छी को पकने देंगे, हाई फ्लेम के ऊपर कड़ी को पका लेंगे। फिश कड़ी तैयार है, बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। फिश कड़ी तैयार है, चावल के साथ, रोटी के साथ खाने के लिए। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।